हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल प्रॉपर एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग अपना क्लास टेंथ का बायोलॉजी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो ये चैप्टर बहुत पहले हम लोगों को स्टार्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं जो है क्लास नाइन्थ का सिलेबस पूरा करने में मतलब बिजी हो गया, तो इसके बारे में मुझे ध्यान ही नहीं रहा। इसीलिए अब हम इसको जो है एज अ बोर्ड के लिए रिवीजन, और जो है हम इसको पढ़ भी लेंगे साथ में, तो उसके लिए हम लोग इसको रिवाइज करने का काम करते हैं साथ में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि देखिए होता क्या है इसमें, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी इन रेगुलेटेड मैनर। वो प्रोसेस जिसमें जो है जो बॉडी के जो वेरियस पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स जो काम करते हैं वो भी एक साथ नियमित तरीके से, उनको हम लोग वो होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो होता है। अब ये होते हैं टाइप्स, इनके कितने होते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। एक होता है नर्वस, एक होता है हार्मोनल। नर्वस क्या होता है, ओनली इन एनिमल दो एक में पाया जाता है, और ये जो है हार्मोनल जो कि प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन मैसेज ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, और जो इसमें मैसेज ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस से होता है, और ये फास्ट ट्रांसफरिंग ऑफ मैसेज, और इसमें जो मैसेज होता है बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है। अब हम ह्यूमन कोऑर्डिनेशन में देखते हैं, हार्मोनल सॉरी, मैसेज ट्रांसफर्ड थ्रू केमिकल इम्पल्सेस, यानी कि इसमें जो मैसेज ट्रांसफर्ड होता है वो हॉर्मोन्स की हेल्प से होता है, और स्लो मैसेज ट्रांसफरिंग होती है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले वीडियो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस के बारे में डिस्कस करेंगे।